गुड मॉर्निंग। आज मैंने दिल्ली जाना है, मेरे को जल्दी उठना है। थोड़ा टाइम देखो, 8:20 हो गए हैं, तब जल्दी से रेडी होता हूँ। यूनिवर्सिटी की बस तो चली गई होगी, हमें को प्राइवेट बस पे ही जाना पड़ेगा। तो मिलता हूँ आपको 5 मिनट में। जल्दी से जो है रेडी हो गए। मैं डायरेक्ट अब आपको मिलूंगा रेलवे स्टेशन। तो ये रहा आपका कालका रेलवे स्टेशन। कालका से दिल्ली के लिए आपको हार्डली 4 घंटे लगते हैं। तो अब हम लोग जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो दिल्ली पहुंचते ही अभी हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा सबसे पहले हम जो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा दिल्ली की सबसे जो सस्ती मार्केट है सरोजनी मार्केट, हम लोग वहाँ पे गए हैं। तो चलो अब एक्सप्लोर करते हैं सरोजनी मार्केट को। आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ये देख सकते हो आप, सेल 50 की, 100 की, 200 की, शूज़, पर्स, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। जल्दी से अब हम शॉपिंग करके जो है वो जा रहे हैं मेट्रो अपने होटल के लिए जहाँ पे हमने स्टे किया है, क्योंकि कल जो है हमारा इवेंट है स्कूल में। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोगों के पास शाम को टाइम था, तो हमने सोचा हम एक और यहाँ पे मार्केट है, मैं इसका नाम भूल गया, वहाँ पे घूम के आते हैं। नमन सर है। ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शूज़ की, जेंट्स के क्लोथ्स की, हर एक चीज़ की यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको भी। टी शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गई, शूज़ हो गए, है ना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन प्राइस पे मिल जाते हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नमन सर? इंडिया के। नमन सर ये बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से हम आज दिल्ली घूम पा रहे हैं। आप सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बोल लो ना। उस तरफ राष्ट्रपति भवन है लास्ट में। हाँ जी, यहाँ से परेड होके जाती है पूरी। आ गया तू? छोटा बच्चा दूसरा बैठा था उसके पास, एक पे लगे सो गाइज गुड मॉर्निंग। आज जो है वो सेकंड डे है और हम लोग जो है वो 2 दिन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो 2 दिन जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में जाना है इवेंट्स के लिए। तो आज जो है वो इवेंट का फर्स्ट डे है। तो अभी मैं जो है वो ये स्कूल में पहुँच गया हूँ। नमन सर और तुषार भी दूसरे स्कूल्स में गए हैं और मैं जो है स्कूल में आया हूँ यहाँ पे एजुकेशन फेयर के लिए। तो अभी जो है मैं अपनी यूनिवर्सिटी के ब्राउचर्स वगैरह जो है यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर क्योंकि थोड़ी देर में जो है यहाँ पे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तो उनको जो है मेरे को गाइड करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो जिसके लिए बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। सो आजकल के बच्चों के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जैसे एजुकेशन, कैरियर फेयर्स होते हैं, राइट। हमारे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो अभी जो है बच्चों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी रहते हैं। अभी स्टैंडी और ब्राउचर अपने टेबल पर रखने के बाद मैं जो है वो थोड़ी देर स्कूल घूम रहा था। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है ये। तो अभी जो एजुकेशन फेयर स्टार्ट हो गया, तो बच्चे आना शुरू हो गए हैं। फेयर से निकलते ही मैं मेट्रो से जो है वो चला गया गुड़गांव होटल में,
क्योंकि आज हमारा यहाँ पे हम रुकेंगे और कल जो इवेंट है वो यहाँ गुड़गांव के स्कूल में है। तो अब थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करने के बाद हम लोग जो है वो साइबर हब और एम्बिशियस मॉल जो है वो घूमने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एम्बिशियस मॉल। गाइज़ अभी हम आ गए हैं साइबर सिटी में, तो देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। सो टुडेज आज जो है हम सेकेंड डे हैं, तो अब यहाँ से निकलने के बाद जो है हमारी 5 बजे की ट्रेन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।